नमस्कार। आजकल गर्मियाँ चली हुई हैं, तो मैं आज एक नया रेसिपी आप लोगों के सामने ले आई हूँ। ये रेसिपी बिल्कुल नई है, एक कुल्फ़ी की रेसिपी है। ये वालनट कुल्फ़ी, वालनट के साथ आज ट्राई करते हैं कुल्फ़ी बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए दूध। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, हाफ बोल मैंने चीनी लिया है, एक बोल मैंने वॉलनट लिया है, 2 स्पून घर की मलाई लिया है और 1 स्पून से कम यहाँ पे है इलायची पाउडर और 1 स्पून चावल की आटा। इसी से बनाएंगे वॉलनट कुल्फी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गैस को ऑन कर दिया, दूध बॉईल करने रख दिया मैंने। दूध को लगातार चलाना होगा। दूध को इतने देर तक चलाएंगे जब तक ये हाफ ना हो जाए, तब तक हम चलाते रहेंगे। दूध बॉयल हो चुका है और मैं अब दूध को ऐसे सीम पे ही सुखाऊंगी। बिल्कुल हाफ तक करना है दूध को। और यहाँ पे वॉलनट को मैं थोड़ा सा एक बार मिक्सी में घुमा दूंगी। और ये जो क्रीम रखा हुआ है, ये मैंने घर का ही मलाई लिया है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप बाजार का जो मिलता है ना, अमूल का फ्रेश मिल्क, फ्रेश क्रीम, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और इलायची फ्लेवर मैंने दिया है इसमें। अखरोट के साथ इलायची अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इलायची फ्लेवर डाला है। अगर आपके पास इलायची फ्लेवर नहीं है तो आप कैवरे की पानी भी डाल सकते हो, लेकिन 2-3 बूंदी डालना। और चावल के आटे का इस्तेमाल मैं करूँगी, इसकी दरदरापन जो होता है कुल्फी में, उसको लाने के लिए ये यूज़ करूँगी। अब मैं ऐसे ही इसको बिल्कुल हाफ होने तक इसको चलाते रहूँगी दूध को। और इसको मैं एक बार चला लूँगी मिक्सी को। देखिए दूध काफ़ी सूख गए हैं। अभी मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। अब चीनी को गलने देते हैं और ये इलायची पाउडर जो रखा था वो भी डाल रही हूँ। तो मैं चीनी को गला लूंगी इसमें। एक बात का ध्यान जरूर रखना, हमेशा ऐसे ही हिलाते रहना, इसको वैसे छोड़ना मत, छोड़ोगे तो नीचे लग जाएगी इसको। देखिए दूध काफी घना हो चुका है। अभी मैं इसमें चावल की जो 1 स्पून आटा रखी थी वो डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये जो 2 स्पून मलाई रखे थे मैंने, वो भी यहाँ पे डाल दूंगी। ये काफी घना हो चुका है और कलर भी अच्छा आ गया है इसमें। अब मैं इसमें ये जो वॉलनट या अखरोट का जो मैंने मिक्सी में एक बार घुमा के रखा था, वो भी दरदरा सा हुआ था, वो मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ऊपर मैं बाद में जब मोल्ड में डालूंगी इनको, तब गार्निशिंग के लिए बचा के रख दिया। अब इनको मिला देती हूँ और इसको गैस को बंद कर दूंगी। अब ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद मोल्ड में डाल के दिखाऊंगी आप लोगों को।
से हो गए हैं। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ गैस को, अब ठंडा होने देती हूँ। अब ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको मोल्ड में डाल के आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये मटका है, इसमें मैं डालती हूँ। मैं ऊपर से थोड़ा सा ये अखरोट डाल दूंगी। मेरे पास तो इन मोल्ड में ढक्कन है, तो मैं इसको ऐसे लॉक कर दूंगी। लेकिन अगर आपके पास मटके की ढक्कन नहीं है, तो आप ऐसे क्लीन फॉइल लेके इसको ऐसे भी रैप कर सकते हो। ऐसे रैप करके आप फ्रीज़र में रख सकते हो। लेकिन मेरे पास इसका भी ढक्कन है, तो मैं इसको इस ढक्कन में ही रखूँगी। इसको ढक के रखना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बर्फ़ जम जाएगी, और कुल्फ़ी में हमें बर्फ़ नहीं चाहिए। अब इनको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, और फिर मैं 7-8 घंटे के बाद आपको दिखाऊँगी। लीजिए, तैयार है हमारे मटके वाले और ये मोल्ड वाले कुल्फी। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से जम गए और कोई बर्फ़ नहीं है इसमें। देखिए कितने अच्छे से ये आ रहे अखरोट वाले कुल्फी। मैं मोल्ड का भी खोल के दिखा देती हूँ आपको। देखिए लीजिए, तैयार है हमारी वालनट कुल्फी। एक बार ट्राई ज़रूर करना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।